हिमाचल प्रदेश के विधायक मुंबई का रुख कर चुके हैं क्योंकि मुंबई में पहला राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पुणे ने इसका बाकायदा आयोजन किया है और समूचे देश के 3,300 से ज़्यादा विधायक इस सम्मेलन के लिए मुंबई पहुंचे हैं। सम्मेलन का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला करेंगे। प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया समेत 36 मंत्री व विधायक हिमाचल प्रदेश के मुंबई रवाना हो चुके हैं। और अगर सुक्खू सरकार के मंत्रियों की और विधायकों की बात करें तो हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, सीपीआर सुंदर सिंह ठाकुर, मोहनलाल ब्राक्टा, संजय अवस्थी के अलावा विपिन सिंह परमार, राजेंद्र राणा, सतपाल सत्ती, संजय रतन, केबल सिंह पठानिया, हरीश जनार्था, सुरेंद्र सोरी, रीना कश्यप, सुरेंद्र सिंह बबलू, हुशियार सिंह, राकेश जम्बाल, विनोद कुमार, पूरन चंद ठाकुर, सुरेश कुमार, जीतराम कटवाल, राजेश धर्मानी, KL ठाकुर, विनय कुमार, कुलदीप सिंह राठौर, मलेंद्र राजन, देवेंद्र कुमार भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल, यादवेंद्र गोमा, पवन काजल, डॉक्टर जनकराज, त्रिलोक जम्बाल, लोकेंद्र कुमार, भवानी सिंह पठानिया, दीप राज, विक्रम ठाकुर, विनोद सुल्तानपुरी, चैतन्य शर्मा, अशी शर्मा, दिलीप ठाकुर, चंद्रशेखर, रवि ठाकुर इस सम्मेलन के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया समेत मुंबई पहुंच चुके हैं। और कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सम्मेलन गैर राजनीतिक मंच है, विचारों का आदान प्रदान करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। संवाद के जरिए एक दूसरे को विधायक जानेंगे समूचे देश के और देश हित यहाँ पर सर्वोपरि रखना प्रभावशाली विधायिका, प्रजातंत्र का विकास, लोकतंत्र को सशक्त बनाना ही इस सम्मेलन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसी बीच हिमाचल के लिए बड़ी खबर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती कानूनी चोला पहने जा रही है क्योंकि पंचायत प्रतिनिधियों ने, जितने भी हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, के लिए बाकायदा पूछा गया था। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बाकायदा कैबिनेट की सब कमेटी कंस्टिट्यूट की थी और इस कमेटी ने आगे चलकर कमेटियां गठित करते हुए राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों से पूछा क्या हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती करना सही फैसला है, और इस पर पंचायत प्रधानों ने जवाब दिया है हां, यानी कि अब हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती का जो एक बड़ा प्लान चल रहा है उसका रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। एक महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी। अगले विधानसभा सत्र में इस पर कानून आने की पूरी संभावना है। उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में इस पर तीव्र गति से काम हो रहा है। इन दोनों राज्यों में बड़े पैमाने पर भांग की खेती की इंडस्ट्री चल रही है। इसी तरह से उद्योगों के भी यहां पर आने की संभावना, इससे स्वरोजगार में बढ़ोतरी होना लगभग तय है। ये राज्य सरकार का तर्क है, 200 से ज्यादा उत्पाद भांग के बनाए जा सकते हैं हर साल, यहां नष्ट करने के लिए अभियान चलाया जाता पुलिस को, मगर दोबारा से इसे उगाने के लिए सरकार प्रयास कर सकती और युवाओं के लिए ये अच्छा रोजगार हो सकता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस भांग को नशे के लिए बदनाम किया गया है, जिस भांग को बुरी नजर से नशे की दृष्टि से देखा जाता है, उस भांग की पत्तियां, उस भांग के अंकुर, उस भांग के आगे बीज जो है वो प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही है ताकि आगे चलकर इसकी मेडिसिन बनाई जा सके। हालांकि इसका नशे के लिए प्रयोग बिल्कुल बाधित कर दिया गया है और ये हो भी नहीं पाएगा क्योंकि जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी, अगर ये भांग की खेती लीगलाइज होती है, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश में लाई जाएगी, भांग का नशा करना मुश्किल होगा, लेकिन इसकी मेडिसिन के लिए इसका रॉ मटेरियल आगे भेजना, बेचना, इसकी खेती करना, इससे पैसे कमाना प्रदेश में बेहद आसान होगा। केंद्र ने अब अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए स्कॉलरशिप योजना में जबरदस्त बदलाव किया है। केंद्र ने अनुसूचित जाति के छात्रों के आवश्यक दस्तावेजों को अब डिजी लॉकर में रखने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें छात्रों का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और छात्रों के एजुकेशन सर्टिफिकेट शामिल होंगे। मार्कशीट को भी डिजी लॉकर में अपलोड करने के लिए कहा गया है। केंद्र के आदेशों पर राज्य का शिक्षा विभाग सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज व अन्य संस्थानों के प्रबंधकों को इन आदेशों की पालना करने का निर्देश जारी कर चुका है ताकि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को स्कॉलरशिप योजना का आसानी से लाभ मिल सके और किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना हो। प्रदेश के 12 प्रिंसिपल्स का डेपुटेशन रद्द कर दिया गया है। ये सरकार का बड़ा फैसला है, सुक्खू सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है क्योंकि दफ्तरों से वापस स्कूलों में इन प्रिंसिपल्स को बुलाया गया है। इनमें सुनील शर्मा को समग्र शिक्षा विभाग से जिला शिमला के चनेर स्कूल में प्रिंसिपल लगाया गया है। मंजुला ठाकुर को उच्च निदेशालय बोर स्कूल से शिमला में तैनाती दी है। मीना कुमारी को उच्च निदेशालय से ननहार स्कूल में लगाया गया है। बबीता चौहान को उच्च निदेशालय से कांडल स्कूल शिमला में तैनात किया है। माया चौहान को हायर एजुकेशन से पौड़िया स्कूल शिमला में तैनाती दी गई है, जबकि सारिका आहूजा को हायर एजुकेशन से जोखर स्कूल शिमला में लगाया गया है। पूनम कुमारी को हमीरपुर
कपूर कार्यालय से कुरला खड़क शिमला भेजा गया है, संदीप शर्मा को धर्मशाला ऑफिस से मेवा स्कूल चंबा भेजा गया है, निरुपमा गुप्ता को डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस शिमला से हलाऊ शिमला में तैनाती दी है, मस्तराम शर्मा को बीबीएमबी प्रोजेक्ट स्कूल सुंदरनगर से पोखी स्कूल मंडी लगाया है, दीपशिका को हिम कोस्टे कसुमटी से कफला स्कूल शिमला भेजा गया है। टीजीटी प्रमोशन की बात करें तो जेवीडी से टीजीटी बनने वाले जितने भी राज्य के पात्र टीचर हैं उनके लिए भी एक बड़ा फैसला हुआ है, क्योंकि इस पर एजुकेशन मिनिस्टर के निर्देशों के बाद जेवीटी से टीजीटी बनने के लिए टेंटेटिव लिस्ट अब तैयार कर ली है। 385 जेवीटी टीजीटी बनाए जाने हैं और इसकी फाइल शिक्षा विभाग से अब सरकार को भेजे जाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि राज्य में लंबे समय से प्रमोशन लटकी हुई है और इसी बीच शिक्षा मंत्री ने टीजीटी से प्रिंसिपल टीजीटी से हेडमास्टर की प्रमोशन के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं कि जल्दी से जल्दी डीपीसी का प्रोसेस पूरा कर इसमें भी नोटिफिकेशन की तरफ विभाग आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए कम मिलेंगे, इसकी अब धीरे धीरे आस महिलाओं की बढ़ती जा रही है, क्योंकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री को इसकी फाइल भेज दी है। 2,31,000 हिमाचल प्रदेश की महिलाओं की पेंशन में बढ़ोतरी होना प्रस्तावित है, यह फैसला लागू कब से होगा यह मुख्यमंत्री तय करेंगे, इसलिए सीएम को फाइल भेजी गई है। बजट में इन महिलाओं को 1500 रुपए देने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था, अभी तक 1000 या 1150 रुपए इन्हें मिल रहे हैं, लिहाजा डिपार्टमेंट ने सेक्रेटरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को फाइल भेजी और इसमें पूछा है कि इन महिलाओं के किस समय अवधि से पैसे बढ़ाने हैं, ताकि मुख्यमंत्री से ये फाइल अप्रूव होने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस पर नोटिफिकेशन जारी कर सके। ओल्ड पेंशन बहाली, प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दे चुके हैं, लेकिन बिजली बोर्ड की ओपीएस यहां पर लगातार लटकती जा रही है, टलती जा रही है, इस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऐलान के बावजूद बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की यहां पर माने तो ओल्ड पेंशन बहाली की घोषणा लटक गई है, क्योंकि अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने जरूर ऐलान किया है, लेकिन बिजली बोर्ड की सर्विस कमेटी की बैठक न होने के कारण, इसकी तारीख तय न होने के कारण ये ओपीएस का मामला यहां पर लटका हुआ है। पहले ऊर्जा सचिव छुट्टी पर थे, अब वित्त सचिव अवकाश पर हैं, उनके आने के बाद सर्विस कमेटी की बैठक होगी। यही वजह है कि ओपीएस का, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस मिलने का यह फैसला फिलहाल लटकता हुआ नजर आ रहा है। इस बार भी एनपीएस का शेयर आगे जमा नहीं हो पाया इन कर्मचारियों का, लगातार दूसरा महीना इसी उधेड़बुन में निकलता जा रहा है। इसे कर्मचारी वर्ग में नाराजगी है बिजली बोर्ड के कि ना तो हम एनपीएस दे पा रहे हैं, ना हमारा ओपीएस की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं, और ना ही हमारा कंट्रीब्यूशन कट रहा है, ना सरकार अपना शेयर दे रही है। ऐसे में अब अफसरों की छुट्टी के चलते, हालांकि सचिव की बात की जाए तो उन्हें जरूरी काम के चलते जाना पड़ा था, मजबूरी थी, वित्त सचिव को भी दिल्ली में बैठकों के लिए जाना पड़ रहा है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में बिजली बोर्ड कर्मचारी के कर्मचारी यहां पर पिस रहे हैं, यही वजह है नाराजगी लगातार बार आ रही है। चंबा के मनोहर हत्याकांड की बात की जाए तो यह मुद्दा हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में अब आग की तरह फैलता जा रहा है, इसकी चर्चा समूचे देश में हो रही है। चंबा में 21 साल के युवक की हत्या को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिला प्रशासन ने हालांकि धारा 144 वहां पर इंपोज कर दी है, कर दी है, और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी आज चंबा पहुंच गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज चंबा गए थे और वहां पर उन्हें रोक दिया गया, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस जयराम ठाकुर को वहां पर रोकने के विरोध में कल भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, समूचे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है, बड़ा प्रदर्शन करेगी। नाराजगी इस बात की है कि किस प्रकार से वहां पर एक युवक की हत्या हुई, अगर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष अगर वहां मिलने जाते हैं तो आखिर उन्हें क्यों रोका जाता है। इसी बीच हालांकि पुलिस की तरफ से बयान आया कि जयराम ठाकुर को बिल्कुल नहीं रोका गया, उनके साथ काफी भीड़ थी, काफिला था, 200-300 लोग थे, और उनसे आग्रह किया गया कि सिर्फ 4 लोग जाएं अगर जाना चाहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने और पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार का वहां पर माहौल खराब ना हो जाए, हिंसक वारदात ना हो जाए, इसी के मद्देनजर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जयराम ठाकुर से यह गुहार लगाई गई कि वहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर ना जाएं। यही वजह है उन्हें रोका नहीं गया, समर्थकों को रोका गया।